Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dust Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful velvet outfit with you. So please keep watching this video till the end. So yeah guys, winter is going on and velvet dresses are most trending in winters, and I have so many of requests with so many of designs, but this V-neck A-line velvet dress is one of the most trending design in this season. So I am going to design this beautiful dress in a very easy and simple way. If you know the basic stitching, then you can also design this dress at your home very well. बेसिकली गाइज, ये ड्रेस जितनी ज़्यादा ट्रेंड में इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। यहाँ हमने इस ड्रेस को मीडियम साइज़ में डिज़ाइन किया है, जिसके नेक पर हमने पैचेस का यूज़ करते हुए वी नेक की डिज़ाइनिंग की है। सो या गाइज, यू डोंट नीड टू वरी, हमने इस बार इस ड्रेस में हैंडवर्क नहीं किया है, ओनली पैचेज एंड लेसेज का यूज़ करते हुए इस ड्रेस की बहुत ही ईजी वे में डिज़ाइनिंग की है। एंड गाइज, इससे पहले भी हमने सिमिलर कलर में एक और ड्रेस की डिज़ाइनिंग की थी, आप साइड में देख रहे हैं। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग हमने टोटली हैंडवर्क करते हुए की थी, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, थैंक यू सो मच। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक भी आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने अबाउट 4.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है, जिसके 3 मीटर फैब्रिक से हमने ए लाइन कुर्ती की डिज़ाइनिंग करनी है, एंड बाकी बचे अबाउट 1.5 मीटर फैब्रिक से हमने प्लाजो की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी नेक पैचेस लिए हैं। सो गाइज, ये हमारे एम्ब्रॉयडरी नेक पैचेस हैं, जिस पर दबके का वर्क हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड गाइज, ये हमने फैंसी आरजे फैंसी लेसेस की तरफ से बाय किए हैं ऑनलाइन, जिनका इंस्टाग्राम पेज है। सो गाइज, उनका व्हाट्सअप नंबर हम स्क्रीन पर मेंशन कर देंगे, एंड गाइज डिस्क्रिप्शन में भी उनका व्हाट्सअप नंबर हम ऐड कर देंगे, आप ऑनलाइन इन सभी लेसेस वगैरह को बाय कर सकते हैं बहुत इजीली। सो गाइज, यहाँ जो हम ये लेस यूज़ कर रहे हैं, ये हमने 3 मीटर ये लेस यूज़ की है। उसी के साथ में गाइस, दूसरी वाली लेस जो हमारी काफ़ी चौड़ी लेस है अबाउट 3 इंचेस की, वो भी हमने 3 मीटर ही यूज़ की है। एंड साथ में ही गाइस, ये वाली लेस हम दुपट्टे के लिए यूज़ करेंगे। सो बेसिकली गाइज, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप लेसेस कहाँ से बाय करते हैं, लिंक दें। सो बेसिकली गाइज, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से लेसेस वगैरह बाय करती हूँ, बट ये वाली लेसेस मैंने आरजे फैंसी लेसेस की तरफ से बाय की हैं, जिनका व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिया है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप उनके व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बहुत ही ईजीली लेसेस वगैरह कुछ भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी सारे उनके पास डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स मिल जाएंगे। सो गाइज, अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने अबाउट 2.5 मीटर फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज, यहाँ हमने इस फैब्रिक को फोर फोल्ड करते हुए रख लिया है, यू कैन सी। फोर फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ रखी है वो अबाउट 49 इंचेस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फोर फोल्ड होने के बाद जो इसकी विथ है, सो गाइज, यहाँ इसकी विथ 23 इंचेस है। सो गाइज, अब हमने मीडियम साइज़ कुर्ती की मेजरमेंट मार्किंग करनी है। सो सबसे पहले हमने 7 इंचेस की शोल्डर मार्क करेंगे, देन आर्म होल के लिए भी गाइज हम 7.5 या फिर 7 इंचेस का ही मार्क लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइनिंग मार्क कर लेंगे। अब गाइज, हमने बस्ट के लिए मार्किंग करनी है, सो बस्ट के लिए गाइज यहाँ पर हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर पर्श के लिए 10 इंचेस पर मार्क कर लेना है। देन गाइज, 15 इंचेस नीचे की तरफ से हमने वेस्ट की फिटिंग के लिए मार्क कर लेना है, सो यहाँ 15 इंचेस की लेंथ मार्क कर ली है। अब गाइज, हमने वेस्ट के लिए अबाउट 9 इंचेस का मार्क कर लिया है। सो गाइज, अब हमने हिप्स की लेंथ ले लेनी है, हिप्स की लेंथ यहाँ पर हमने 13 इंचेस मार्क की है। अब 13 इंचेस मार्क करने के बाद हम इसकी जो फिटिंग मार्क करेंगे अबाउट 12 इंचेस मार्क करेंगे, ये हमारी ए लाइन कुर्ती रहेगी, हिप्स से हमारी काफ़ी लूज रहती है। सो सारी ही मार्किंग्स को हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। एंड गाइज, लूजिंग के लिए भी हमने अबाउट 1.5 मीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क कर लिया है। सो गाइज, अब इस मार्किंग को हम नीचे तक ज्वाइन कर लेंगे, कॉर्नर तक, इस तरीके से। सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच इसके शोल्डर डीप भी मार्क कर लिए हैं।
फ्रंट पार्ट के लिए हमने आर्म होल मार्कर लेना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हल्का सा हाफ इंच का डीप मार्क करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने बैक आर्म होल को कट कर लेना है इस तरीके से। एंड गाइस, जो हमने लूजिंग मार्क की है उसी मार्किंग के ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब गाइस, हमने इसके बॉटम के लिए मार्किंग करनी है। सो बॉटम की जो गहराई है, सॉरी गोलाई रहेगी, उसके लिए हमने अबाउट 4 inches पर मार्क करते हुए बॉटम में इस तरीके से हल्का सा हमने कर्व दे देनी है। सो गाइज, इस तरीके से अगर आप 4 inches या 5 inches की नीचे की तरफ से मार्किंग कर लेंगे तो आपकी कुर्ती गोल रहेगी। सो गाइज, अब हमने बैक पार्ट को एक साइड हटा देना है। एंड गाइज, जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 1/2 inches डीप आर्म होल मार्क किए थे, हमने उसकी भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल डीप की मार्किंग कटिंग कर ली है। सो गाइज, यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हमने फ्रंट नेक के लिए डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज, ये हमारा पैच है, इस पैच के अकॉर्डिंगली ही हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी पैचेस है तो आपने नेक को किस तरीके से स्टिच करना है। सो यहाँ नेक की जो रेडी मेजरमेंट लेंथ है वो 9 inches है। सो गाइज, यहाँ हमने कैनवास पेपर ले लिया है, कैनवास पेपर की लेंथ भी हम 9 inches ले लेंगे। सो बेसिकली गाइज, नॉर्मल साइज़ के लिए 9 inches की नेक लेंथ काफ़ी डीप रहती है। एंड गाइज, हम इतने डीप नेक नहीं पहनते, सो इसलिए गाइज हम इसको शॉर्ट नेक बनाएंगे। सो इसलिए हमने 6 inches की नेक लेंथ मार्क कर ली है। एंड नेक विथ के लिए यहाँ पर हमने अबाउट 3 inches की नेक विथ मार्क कर ली है। अगेन हम इसको दिखा रहे हैं, आप 6 inches की मार्किंग की है। जो हमारी कैनवास पेपर है वो हमारी 9 inches की लेंथ पर है। अब गाइज, हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। जो हमारी नेक विथ है उसको हमने नीचे तक जॉइन कर लेना है। एंड ऊपर जो 6 inches का मार्क लगाया था उसके बीच से हमने एक और मार्किंग लगा दी है। सो गाइज, अब हमने अबाउट 1/2 inches का एक्स्ट्रा कैनवास पेपर मार्क कर लेना है। सो गाइज, ये हमारा नेक पैटर्न मार्क हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। सो गाइज, कटिंग करने के बाद हमने इस नेक पैटर्न को प्लेन फैब्रिक पर स्टिच करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है, इस पर हमने नेक को आयरन कर लेना है। देन उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद गाइज हमने पहले तो हम इसको आयरन कर लेते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ हमने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अबाउट 1/2 inches के करीब का फैब्रिक छोड़ दिया था, उसको हमने स्टिच कर लेना है इस तरीके से, यू कैन सी, जैसे कि हम नॉर्मली नेक बनाते हैं। सो गाइज, अब हमने ये वाले नेक पैटर्न को नेक अपने वेलवेट फैब्रिक की फ्रंट साइड में रखते हुए स्टिच कर लेना है, जस्ट मिड में। सो गाइज, यहाँ हमने अपने नेक पैटर्न को स्टिच कर लिया है वेलवेट फैब्रिक की राइट साइड में रखते हुए। अब गाइज, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है हल्का सा फैब्रिक छोड़ते हुए। सो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने दोनों ही कॉर्नर्स पर एक छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि ये हमारा नेक अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। सो गाइज, अब हमने इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद गाइज, नेक की फिनिशिंग देने के लिए इस पर एक और टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज, यहाँ हमने इस पर एक और टॉप स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइज, हमने इस नेक पर अपना पैचेस रख लेना है। सो गाइज, ये हमारा नेक पैच है, इसको हमने जस्ट मिड में रखते हुए इस पर हमने हैंड स्टिच कर लेनी है। टक्स लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हो, इसको हम किसी आलपिन वगैरह की हेल्प से सेट भी कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमने बैक नेक की भी फिनिशिंग कर लेनी है पैच लगाने से पहले। सो यहाँ हमने अबाउट 3 inches की ही बैक नेक विद मार्क कर ली है। एंड नेक डीप के लिए आप कितना भी ले सकते हो। यहाँ हमने 3.5 inches बैक नेक डीप के लिए मार्किंग की थी। सो गाइज, अब हमने नेक राउंड मार्क कर लिया, इसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइज, हमने किसी स्ट्रिप वगैरह की हेल्प से इसको फोल्ड कर लेना है। सो गाइज, यहाँ हम एक फैब्रिक स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज, इस स्ट्रिप की विद अबाउट 1.5 inches या फिर 2 inches है, यू कैन सी, लेट्स सी। सो गाइज, ये हमारी 2 inches की स्ट्रिप है, इसको हमने 2 fold कर लेना है इस तरीके से। 2 fold करने के बाद हम इसको नेक राउंड पर रखते हुए 1 time स्टिच कर लेंगे। सो गाइज, 1 time स्टिच करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, जैसे कि हम यूजुअली नेक स्टिच करते हैं। देन इसको
इस पर हमने एक और टॉप स्टिचिंग लगा देनी है एंड नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर लेनी है। सो गाइस हियर आप देख सकते हो यहाँ हमने नेक को स्टिच कर दिया है। स्ट्रिप जो हमने स्टिच की थी उसको अंदर की तरफ भी फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा दी है। अब गाइस हमने अपना फ्रंट पार्ट रख लिया है। सो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट पर अभी पैच यूज अटैच नहीं किया था। सो सबसे पहले हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। एंड गाइस आप चाहो तो इसकी साइड फिटिंग भी लगा सकते हो। सो हमने शोल्डर एंड साइड दोनों को स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइस इसके बॉटम को भी नीचे से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो तीनों काम हमने एक साथ कर लेने हैं। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने इस कुर्ती को शोल्डर साइड्स एंड बॉटम ऑल थ्री साइड्स से स्टिच कर लिया है। जो भी आपकी मेजरमेंट हो आपने उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा देनी है। बेसिकली गाइस हमने ये लूज ही रखा था काफ़ी। सो आप देख सकते हो हमने बॉटम से भी इसको स्टिच करते हुए फिनिश कर लिया है। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। सो गाइज हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है। नाउ वी विल अटैच दिस पैच। सो गाइज अब हमने इस पैच को अटैच करना है नेक के जस्ट मिड में रखते हुए। आप मिड का मार्क भी लगा सकते हो मिल्टन से। देन उसके बाद गाइज हमने इसके नेक जो पैचेस है उसको स्टिच कर लेना हैंड से। एंड साथ में ही गाइज ये जो लेस थी हमने आपको बताया था 3 मीटर लेस जो कि हमने RJ फैंसी लेसेस की तरफ से ऑनलाइन बाय की थी, जिनका व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी ही हमने मेंशन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम उनका नंबर मेंशन कर देंगे। सो गाइज आपने इस नेक को कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। आप देख सकते हो यहाँ हमने नीडल की हेल्प से थ्रेड की हेल्प से इस नेक को स्टिच करना है। आप चाहो तो इसको सेट करने के लिए कुछ आलपिन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप स्टिचिंग करते वक्त आपका नेक इधर उधर स्लिप नहीं हो। सो इस तरीके से आपका पैच बहुत ही ईजीली स्टिच हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से छोटे छोटे टक्स लगाते हुए इंडिविजुअल टक्स लगाएंगे हम अंदर की तरफ से। ज़्यादा बड़े टक नहीं लगाने, अपने छोटे छोटे टक्स ही लगाने हैं। सो आप देख सकते हो इस तरीके से इस पूरे ही पैच को स्टिच कर लेना है। सो गाइज ये रिमूव नहीं होगा, आप इसको वॉश करें कुछ भी करें ये ऐसे ही लगा रहेगा। सो गाइज ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। एंड गाइज ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी ही की हो। बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक स्टिच हो गया है। साथ में हमने इसकी बॉटम वाली लेस को भी स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हो गाइज बेसिकली इस लेस पर भी थोड़ा सा हैंडवर्क था स्टोन्स वगैरह का, उसको भी हमने हैंड से ही स्टिच किया था। वन टाइम हमने मशीन से स्टिचिंग लगाने के बाद हैंड से स्टिच किया था। सो गाइस अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है, जिसके लिए फैब्रिक को 1/2 मीटर फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज अ फोर फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइस नेक की लेंथ स्लीव की लेंथ यहाँ पर जो हमने ली है अबाउट 23 इंचज लेंथ ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ले सकते हो। सो यहाँ पर हमने 7 इंचज की मार्किंग कर लेनी है मीडियम स्लीव के लिए। देन आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचज की आर्म होल मार्क करते हुए स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज इसके बॉटम के लिए हमने रिस्ट राउंड 9 इंचज मार्क किया है, बिकॉज हमारी ये स्लीव नीचे की तरफ से लूज रहेगी, बेल बॉटम स्लीव रहेगी। सो गाइज इस तरीके से अब गाइज हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें 2 स्लीव्स मिल जाएंगी। एक स्लीव को हमने एक साइड कर लेना है। सो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक स्लीव एक साइड कर लेंगे। सो गाइज अब हमने इस स्लीव को नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। बेसिकली इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देंगे। एंड इसके बाद गाइज हम इस पर लेसेस वगैरह अटैच करेंगे। सो सबसे पहले हमने ये वाली लेस अटैच करेंगे। देन ऊपर की तरफ से गाइज जो हमारे नेक एम्ब्रॉयडरी पैच के साथ जो हैंड पैच आए हैं उसको भी हमने स्टिच कर लेना हैंड से। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने लेसेस एंड पैचेस दोनों को स्टिच कर दिया है। यू कैन सी हमने इसको हैंड स्टिचिंग दी है। सो गाइज अब हमने जो हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंगली ही हमने स्लीव की साइड को भी स्टिच कर लेना है। बेसिकली ये हमारी लूज स्लीव ही है, हमने इसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं स्टिच किया था। सो गाइज यहाँ हमारी ये स्लीव भी स्टिच हो गई है। यू कैन सी अब हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। सो गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। इसके साथ हमारी सेकेंड स्लीव भी रेडी हो गई है। अब गाइज हमने दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच कर लेना है। सो बेसिकली गाइज मैं लास्ट में ही स्लीव्स स्टिच करती हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली शोल्डर्स स्टिच करने के बाद स्लीव्स स्टिच कर सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर आपने बाद में स्लीव स्टिच करना अच्छा लगता है तो आप बाद में करें, इट्स नॉट ए बिग थिंग। सो गाइज दोनों स्लीव्स को स्टिच करते हुए हमने इस कुर्ती को कम्प्लीट कर लेना है। टडे! सो गाइज यहाँ हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है।
सो गाइज इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। एंड इस कुर्ती के साथ हमने गाइज लूज प्लाजो स्टिच किया है, सो हियर यू कैन सी द प्लाजो। सो गाइज इस प्लाजो के नीचे हमने बॉटम में भी लेस का यूज़ किया है, जो कि हमने 3 मीटर लेस ली थी। ये छोटी वाली लेस हमने इस प्लाजो के बॉटम में लगाई है। एंड गाइज वो जो दूसरी वाली लेस थी 1 मीटर, वो हमने दुपट्टे के लिए ली थी, बट हमारा दुपट्टा ऑलरेडी पहले से एक डिज़ाइन किया हुआ रखा था। सो गाइज ये हमारा ऑलरेडी डिज़ाइन दुपट्टा है, जिसके ऑल 4 साइड्स में हमने ये वाली लेस लगाई थी। एंड गाइज बीच बीच में हमने इसमें स्टोन्स लगाए थे, जिनको डायमंड्स भी बोलते हैं। सो ये वाले हमने 3-3 स्टोन्स ग्लू किए थे। सो ये हमारा ऑलरेडी रखा हुआ दुपट्टा था, बट इसका दुपट्टा हम डिज़ाइन करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। एंड गाइज इस ड्रेस में हमने कोई भी हैंडवर्क नहीं किया, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। अगर आपने बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस ड्रेस को बहुत ही ईजीली डिज़ाइन कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग थिंग। आप देख सकते हो गाइज इसका लुक बिल्कुल ऐसा आ रहा है जिसकी हमने इसको हैंड से एम्ब्रॉयडरी की है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पैचेस हमने इस पर लगाए हैं, लेसेस भी इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम टू गो, एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।